हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर कई भिन्न दी गई हैं तो ये हम कैसे जानेंगे कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर चार भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न जो है वो हमें ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की हेल्प लेंगे, यानी केवल देख कर ही हम जान पाएंगे कौन बड़ी है और कौन छोटी है। तो 15/16, 9/10, 7/8 और 11/12 हमें बड़ी भिन्न बतानी है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे पहले इन दोनों को लेके, तो ये हो गया 150 और ये हो गया 144। बड़ी चाटनी है तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो हम देखेंगे, तो बड़ा ये है तो ये बड़ी हो सकती है, ये तो छोटी है तो इसको हम छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ चेक करेंगे, यानी एक एक के साथ चेक करते चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 15/16 और 7/8 को हम सॉल्व करेंगे। ये केवल समझाने के लिए बता रहे, बाकी आप एक ही में कर सकते हैं। इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे 120, इनकी मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इनकी मल्टीप्लीकेशन करने पर हमको मिलेगा 112। तो इन दोनों में बड़ी हमारी कौन सी है, ये छोटी, तो ये हमारी जो है वो छोटी है तो इसको हम नेगलेक्ट कर लेंगे। फिर 15/16 और लास्ट वाली जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो है वो हम करेंगे, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर कितना आएगा, 180, और इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे 1676। तो ये इन दोनों में बड़ी कौन सी है, ये हमारी बड़ी है, इसको छोड़ देंगे। तो 15/16 को हमने सबसे चेक किया, तो सबसे जो हमारी बड़ी भिन्न आई वो हमारी बड़ी भिन्न कितनी हो गई, 15/16, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर हम और क्वेश्चन लेते हैं तो देखते हैं, तो जैसे ये क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे। तो हम 2/3 को हम 4/5 के साथ चेक करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये कितना है 10 और ये कितना है 12। हमें छोटी बतानी है तो ये छोटी है तो हम इसको छोड़ देंगे। अब 2/3 को हम अगले के साथ लेते जाएंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये कितना 16 और ये कितना 9। हमें छोटा देखना है तो छोटा हमारा ये हुआ, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। ये 3/8 और 1/2 इनको हम चेक करेंगे, तो ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया हमारा 8। तो इनमें छोटा कौन सा है, ये वाला, तो हम 1/2 को कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमारी छोटी भिन्न कौन सी हुई, 3/8। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं, बिना डिवाइड किए हम जान सकते हैं कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। थैंक यू।